तो फोन दो प्लीज हम लोग क्या हम लोग फोन को डिस्टेंस कर दो, सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, सोशल डिस्टेंसिंग कर लो। अब बेटी के सम्मान में, राष्ट्रपति के सम्मान में, बेटी के सम्मान में, राष्ट्रपति के सम्मान में, बीजेपी सरकार होश में देश के अंदर जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करके बांटा गया है केंद्र सरकार ने आगे पीछे या मोदी सरकार ने, उसका ये नतीजा है। एक लड़की का बलात्कार होता है, एक लड़की वो लड़की है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है ना सिख है ना ईसाई है, वो एक बच्ची है और बच्ची के रेप को भी हिंदू मुसलमान करके नीतीश सरकार देख रही है। इसलिए ठीक है कि आज ये दुनिया है तुम कायम हो, लेकिन नीतीश सरकार जी जिस दिन आपके घर की बेटी को दादागिरी करके उसका कत्ल किया जाएगा, उसको जलाया जाएगा, उस दिन आपको एहसास होगा कि बेटी क्या चीज होती है। बेटी सबकी है, बेटी हिंदुस्तान की है। तो बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में महिलाओं की वजह से आज आई है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता था, रेप होता था, उसको आड़ लेके आज दिल्ली में बैठी है, भ्रष्टाचार को लेकर बैठी है। आज बीजेपी गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है, इसीलिए हिंदू मुसलमान के नाम पे आगे आके बाकी सारे अपराध को छुपाया जा रहा है। और पीछे आने वाले वक्त में जैसे जनता ने पहले के लोगों को तक को नहीं छोड़ा, इस बीजेपी गवर्नमेंट को भी जनता एक दिन उखाड़ के फेंकेगी, ये हमें यकीन है। आप क्या कहने के लिए कुछ बचा है पीछे कुछ बचा है क्या? मतलब रोज हम आंदोलन कर रहे, रोज मोमबत्तियां जला रहे, रोज चिल्ला रहे, चीख पुकार कर रहे, बट उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसे सेड के आजकल कोई भी जानवर मरता है हिंदू मुस्लिम, कोई भी लड़की रेप होती है हिंदू मुस्लिम, कहीं भी कुछ भी अत्याचार होते हैं हिंदू मुस्लिम। इसी तरह का एक अत्याचार बीड में भी हुआ है महाराष्ट्र में, उसका थोड़ा बहुत ऐसे ही एक रूप था जो यहाँ पर हुआ है। और मैं मुझे ऐसे लगता है, आई डोंट नो, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा, लेकिन इट्स टाइम कि हम हमारी भी थोड़ी थोड़ी मानसिकता बदले। जिनके घर में लड़के हैं, जिनके पास मर्द है, वो सब लोग बचपन से ही एक उनके दिमाग में डाला जाए कि वेदर इट्स हिंदू मुस्लिम सिख और वॉट एवर, वुमन इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। चुनाव में जिस तरह से मामला दबाया गया बिहार में, चुनाव में जिस तरह से मामला दबाया गया, देखिए आप पॉलिटिकली इसको आप ना बनाए, दिस इज द मीडिया दैट इज प्लेइंग, यही सब लोग कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं। हम तो यही बोलते हैं कि मीडिया सबसे बड़ा, अगर इसमें कोई गुनाहगार है ना तो दैट इज द मीडिया। Why are you saying it's दबाया गया? लेकिन सब मीडिया नहीं हो सकते ना? नहीं नहीं, बहुत जगह दबाया गया है, आप भी तो उसी भाव के साथ बह रहे हो ना। Nobody has guts to talk differently। अभी वही बोल रहे, हम कह रहे हैं कि पहले तो वो इंसान थी, फिर जिसके ऊपर भी अत्याचार, ये सिर्फ उसी की बात नहीं है। उमरा में एक सौतेली माँ ने भी अपने बच्चों पे अत्याचार किया, आई मीन प्लीज डोंट टेक इट के उसका रेप हुआ, मर्द ने किसी औरत ने किया, इट्स नॉट लाइक दैट। आई थिंक किसी भी तरह की हिंसा कभी भी जस्टिफाइड नहीं होनी चाहिए। ये जो प्रोटेस्ट निकला, ह्यूमैनिटी इज इन डेंजर, सेव आवर गर्ल्स फ्रॉम बीइंग रेप्ड, रेपिस्ट मस्ट बी हैंग पब्लिकली, वेरी रॉन्ग व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। सिंस इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, गवर्नमेंट शुड रियली लुक इन टू द मैटर, इट इज वेरी सीरियस और क्रिटिकल मैटर। ऑन डेली बेसिस पे रेप हो रहे हैं, आई मीन व्हाट इज हैपनिंग। मैं जैसे आरोपी को कैसी सजा होनी चाहिए? हैंग टिल डेथ पब्लिकली, ट्रस्ट मी, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग।